नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 फ्यूचर्स कल 17 अगस्त के दिन कहां पर कामकाज कर सकता है, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्या लेवल्स रहने वाले हैं मार्केट में। बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहाँ पर कामकाज किया और आज मार्केट के अंदर कैसा दिन रहा। दोस्तों, पहले तो मार्केट ने हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपन होते ही दोस्तों, पहले ही 5 मिनट में मार्केट ने अपने दिन का लो 19,352 फ्यूचर्स में यहां पर टच कर दिया। दोस्तों, इस लेवल को टच करते ही मार्केट इमीडिएटली बाउंस कर गई और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहां पर जाने लग पड़ी। 19,428 के लेवल पर जैसे ही मार्केट पहुंची, हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट फिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ पर आने लग पड़ती है। 19,384 के लेवल पर मार्केट ने जैसे ही एक सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलने लग पड़ी और इस बार मार्केट में कंटिन्यूसली अपसाइड का प्रेशर था। तकरीबन 1 बजे के आसपास मार्केट 19,470 लेवल्स पर पहुंची। इस लेवल पर पहुंचते ही दोस्तों, मार्केट ने काफ़ी देर, तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेशन में लगाए और ये जो रेंज थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक 30 पॉइंट की रेंज में टाइम स्पेंड किया गया। तकरीबन 3 बजे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और 19,505 का मार्केट ने जैसे ही लेवल छुआ, इमीडिएटली मार्केट के अंदर हल्की फुल्की एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद क्लोजिंग मार्केट की 19,466 के लेवल पर ही हुई है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहां पर ओपन हो सकती है, क्या लेवल्स मार्केट में रह सकते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स में इस टाइम पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वीडियो बनाते समय डाउ जोन्स इस टाइम पर -81 पॉइंट्स पर है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक यहाँ -92 पॉइंट्स पर है। हम S&P इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो S&P इंडेक्स यहाँ पर तकरीबन -15 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन -58 पॉइंट्स पर यहां पर चीज़ें चल रही हैं। अब दोस्तों, इन चीज़ों को देखकर मार्केट में आप एक गैप डाउन ओपनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है 11:30 बजे अभी PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर US मार्केट के अंदर FOMC मीट है, मिनट्स है, माफ़ कीजिएगा। अब ये मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, इस चीज़ में अगर मार्केट कुछ सरप्राइज देती है FOMC मिनट्स के अंदर, तो डेफिनेटली US मार्केट्स भी रिएक्ट करेंगे और उसको देखकर SGX निफ्टी भी आपको एक रिएक्शन दे सकता है। अब अभी के लिए जो मार्केट में सिनारियो बन रहा है वो आपको एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग ही दिखा रहा है, मतलब कल मार्केट ओपन हो ही आपका एक नेगेटिव साइड पर हो सकता है। आपको याद रखना है 19,410 मार्केट में एक सॉलिड सपोर्ट है। गैप डाउन अगर मार्केट में होता है तो यही 40 से 50 अंकों के बीच में हो सकता है। अगर मार्केट 19,410 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली इस लेवल के नीचे मैं पुट की पोजीशन लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा और नीचे जो आपके पास सपोर्ट एरियाज मिल जाएंगे वो 19,384 और 19,352, इन दो लेवल्स के लिए आप मार्केट में बैठ सकते हो। कॉल साइड में एक ही केस में हम पोजीशंस बनाना पसंद करेंगे। अगर मार्केट अपने इस स्विंग को 19,470 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशंस बना सकते हैं। जो और अपर रेसिस्टेंसेस जो आपको देखने के मिलेंगी वो 19,505 और 19,565 पर देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।